नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा सौंपा। हालांकि जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह केयर टेकर सीएम के तौर पर बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बंपर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। बीजेपी ने 403 में से 255 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर 41.29% रहा। वह अपने दम पर राज्य में सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतने पर बधाई दी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अपना इस्तीफा देने से पहले आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि 37 वर्षों में यह पहली बार है जब कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने में सफल रही है। इससे पहले 1985 में नारायण दत्त तिवारी ने राज्य में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। उसे 32.6% वोट मिले। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।